तो आप सब कुछ हुआ और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग घर बंदूक बिरयानी मूवी के यहाँ पर 7 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट वीक में इस फिल्म का कलेक्शन कितना रहा और इस फिल्म का बजट क्या था, जिससे हम एक अंदाजा लगा सके कि एक हफ्ते के अंदर इस फिल्म ने अपने बजट को कवर किया है या फिर नहीं, या फिर ये फिल्म अभी तक अपना बजट रिकवर कर भी पाई है या फिर नहीं, और क्या ये फिल्म अब बजट रिकवर करके हिट सुपर हिट की रेस में लग चुकी है या फिर नहीं, इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे और समझने जाने की कोशिश करेंगे कि फिल्म ने सही बिजनेस किया भी है या फिर नहीं इन 7 दिनों के अंदर में। तो शुरुआत करते हैं डे वन से। डे वन में यहाँ पर जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमें देखने को मिला था 50 लाख रुपीज का, डे टू में कलेक्शन देखने को मिला 60 लाख रुपीज का, डे थ्री में हमें कलेक्शन देखने को मिला 75 लाख रुपीज का। तो यहाँ 3 दिनों में फिल्म ने काफी तगड़ा जबरदस्त बिजनेस किया, काफी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पर निकल कर आया इस फिल्म का। उसके बाद ये फिल्म जिस तरीके से नीचे लुढ़कती चली गई, हालांकि एक बैलेंस बनाकर ये फिल्म चली वो मुझे अच्छा लगा, पर इससे फिल्म को कुछ फायदा होगा या नहीं ये अभी भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। क्यों, मैं आगे आपको बताता हूँ। क्योंकि फिल्म ने चौथे दिन कलेक्ट किया 20 लाख रुपीज, डे फाइव में फिल्म का कलेक्शन रहा 19 लाख रुपीज, डे सिक्स में कलेक्शन रहा 21 लाख रुपीज और डे सेवन में कलेक्शन रहा 90 लाख रुपीज। तो आप देख सकते हो कि 3 दिनों में ही तगड़ा बिजनेस किया फिल्म ने, उसके बाद ये फिल्म लुढ़कती चली गई। हालांकि फिल्म ने डे फोर में जितना कलेक्शन किया और 5, 6, 7 में भी फिल्म ने उसी कलेक्शन को मेंटेन करके रखा, ना ऊपर हुआ ना ही नीचे, जो बैलेंस बना हुआ था उसको मेंटेन करके चला मूवी ने, और उसी का फायदा फिल्म को मिला भी, क्योंकि यहाँ पर फिल्म ने 7 दिनों में कलेक्ट कर लिया यहाँ पर 2.65 करोड़ रुपीज। लेकिन अगर हम इसको ओवरऑल बॉक्स लेकिन अगर मैं ग्रॉस कलेक्शन की बात करूं तो वो 3 करोड़ तक ही जाएगा, लेकिन बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 8 करोड़ रुपए है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो फिल्म है अभी तक अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई है, रिकवर करने की बात तो छोड़ो, अपने बजट का आधा भी कलेक्ट नहीं कर पाई है। तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या ये फिल्म अगले हफ्ते तक अपना बजट रिकवर कर पाएगी, जिसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम लग रहे हैं। शायद ये फिल्म डिजास्टर हो भी सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखकर तो ऐसे ही आसार नजर आ रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या ये फिल्म कहीं डिजास्टर तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि बाकी 2 हफ्तों में ये फिल्म आगे क्या ही उखाड़ लेगी, क्योंकि उस बीच कोई दूसरी मूवी आ गई तो इस फिल्म का टिक पाना मुश्किल ही हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी फिल्म बहुत बेकार परफॉर्म कर ही रही है। जोहार।